दोस्तों, अगर आपके पास पोमेरियन डॉग है या फ्यूचर में पोमेरियन डॉग पालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में पोमेरियन डॉग के कुछ ऐसे 15 फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। जी हाँ, और हमें पूरा यकीन है कि पोमेरियन डॉग के बारे में ये फैक्ट आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नंबर 15, दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी कुत्ता और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं? आप बोलोगे, भाई कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो आपस में दुश्मन हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोमेरियन बिल्ली के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ दूसरे डॉग बिल्ली को देखते ही उस पर झपट पड़ते हैं, वही पोमेरियन बिल्ली के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। पोमेरियन और बिल्ली को एक साथ पाला जा सकता है, ये एक साथ खाना खाने पानी पीने तक शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, पोमेरियन बिल्ली के साथ इतना फ्रेंडली होते हैं कि एक साथ खेलते हैं और एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 14, दोस्तों आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि इतना क्यूट, लवेबल और फनी डॉग पोमेरियन ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बेहद कम फेमस है। जहां अमेरिका में बड़ी बड़ी हस्तियां पोमेरियन को पालना पसंद करती हैं, वहीं यूके और ऑस्ट्रेलिया में इनको पालने वालों की संख्या बहुत ही कम है। यहां पर इनकी लोकप्रियता में लगातार कमी देखने को मिली है। नंबर 13, पोमेरियन कुत्ते की इतनी प्यारी नस्ल है कि मशहूर हस्तियों के बीच भी इनकी लोकप्रियता बनी हुई है। दुनिया में ऐसी कई मशहूर हस्तियां हैं जो प्रेजेंट टाइम में पोमेरियन के मालिक हैं। पोमेरियन को देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसे अफोर्ड करना हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। ये आपकी लव और अटेंशन को ज्यादा कंसिडर करता है। आप सोशल मीडिया पर बहुत से अमीर लोगों को पोमेरियन के साथ वीडियो या पिक्चर में देख सकते हो। पोमेरियन का क्यूट और फ्रेंडली बिहेवियर सभी को इसकी ओर अट्रैक्ट करता है। नंबर 12, पोमेरियन बहुत ही छोटे से लेकिन सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इनका अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं तो इन्हें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी दो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम लक्सेटिंग पटेला और ट्रेशल कोलैप्स है। पोमेरियन की ये हेल्थ प्रॉब्लम घुटनों और सांस से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पोमेरियन समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इन्हें खांसी और बेहोशी जैसी समस्या होती है। नंबर 11, कुत्तों की ब्रीड को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पोमेरियन को अपने छोटे साइज की वजह से टॉय कैटेगरी में रखा गया है। पोमेरियन बहुत ही छोटा और हल्का कुत्ता है। एक हेल्दी अडल्ट पोमेरियन का वजन 4 से 8 पाउंड तक हो सकता है। इसकी लंबाई 5 से 11 इंच के बीच में होती है। पोमेरियन की बॉडी पर सफेद रंग के खूबसूरत बड़े बड़े फर होते हैं, जिनकी आपको बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। पोमेरियन डॉगी डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। आप इनको ऑरेंज, ब्लैक, क्रीम और व्हाइट कलर में देख ही सकते हो। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लोग पोमेरियन को इसलिए भी पालना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ दूसरे कुत्तों की तुलना में ज्यादा है। एक हेल्दी पोमेरियन 16 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये दूसरे कुत्तों की तुलना में छोटे पप्पी को कम प्रोड्यूस करते हैं। इनके स्मॉल लिटर की संख्या बहुत ही कम होती है, यही वजह है कि पोमेरियन के छोटे पप्पी आसानी से नहीं होते। इसकी वजह से ही ये कुत्ते महंगे होते हैं और इनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नंबर 9, पोमेरियन बहुत ही शरारती और फनी होते हैं। इनकी हरकतें आपको हंसाने के लिए काफी हैं। पोमेरियन की इस खासियत की वजह से ज्यादातर लोग इसे पालना पसंद करते हैं। सफेद रंग का पोमेरियन एक कॉटन बॉल के जैसा लगता है। जरा सोचिए, एक कॉटन बॉल इधर उधर उछल कूद करती हुई कैसे लगेगी। इस डॉग के बारे में ये बहुत ही फनी फैक्ट है। रियल लाइफ में पोमेरियन बिल्कुल ऐसा ही करता है। पोमेरियन ओनर्स के लिए ये बात बहुत ही एक्साइटेड करने वाली है। पोमेरियन को आप अपनी हथेली पर बैठा कर भी पाम कटलिंग कर सकते हो। ये फुर्तीला कुत्ता हर वक्त इधर उधर उछल कूद करता रहता है, जो कि आपके दिन भर के एंटरटेनमेंट के लिए काफी है। नंबर 8, कुत्ते की ये खूबसूरत ब्रीड यूरोप से बिलोंग करती है। इसका ओरिजिनेशन यूरोप के पोमेरियन क्षेत्र से माना जाता है, जिसकी वजह से कुत्ते का नाम पोमेरियन पड़ा। आज प्रेजेंट में पोमेरियन इंटरनेशनल लेवल पर कुत्ते की एक फेमस ब्रीड बनी हुई है। यूरोप के सेंट्रल रीजन में जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक शामिल है, जहां से पोमेरियन को पालने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अपनी खूबसूरती की वजह से ये कुत्ता दुनिया भर में फेमस हो गया। अब इसके पालने वालों की संख्या लगभग हर देश में देखने को मिलती है। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पोमेरियन बड़े काम करने वाले कुत्तों से पैदा हुए थे। पोमेरियन आज भले ही कुत्ते की सबसे छोटी नस्ल में से एक हो, लेकिन इसका जन्म बड़े काम करने वाले कुत्तों से हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पोमेरियन का जन्म अंटार्कटिक क्षेत्र में रहने वाले बड़े कुत्तों वुल्फ स्पिट्स से हुआ था। पोमेरियन के फेस की वजह से इन्हें बड़े वर्किंग डॉग का वंशज माना जाता है। पोमेरियन का चेहरा वर्किंग डॉग से काफी हद तक मिलता जुलता है। नंबर 6, पोमेरियन ओनर्स होने के नाते आप उसके लिए अच्छी चीजें खरीदते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोमेरियन आपके किसी महंगे खिलौने से खुश होने वाला नहीं है। इन्हें आपकी बॉल, टॉय या सॉक्स से खेलना ज्यादा पसंद है, और ये बात केवल पोमेरियन ओनर्स ही समझ सकते हैं। पोमेरियन आपके महंगे खिलौनों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें खिलौने से ज्यादा आपकी अटेंशन और प्यार की जरूरत होती है। पोमेरियन इंसानों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसे अपने साथ बाहर वॉकिंग पर भी ले जा सकते हो। नंबर 5, पोमेरियन महंगी चीजों से खेलने की बजाय बच्चों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। पोमेरियन को आप
पाम कटलिंग से खुश कर सकते हैं। पोमेरियन बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर कोई इनके मालिकों को ऊंची आवाज में या धमकी देकर बात करता है तो ये भी बुरा मान जाते हैं। पोमेरियन हर तरह के परिवार के लिए एक बेस्ट डॉग ब्रीड है, जिसे छोटे बच्चे वाली फैमिली भी अडॉप्ट कर सकती है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं पोमेरियन डॉग को ब्रश कराना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। वैसे तो पोमेरियन कई रंगों के होते हैं, लेकिन सफेद रंग में ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर सफेद रंग के बड़े बड़े फर होते हैं, जिसे साफ करना एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। पोमेरियन को ब्रश कराना भी बहुत हार्ड काम है, जो केवल पोमेरियन ओनर ही कर सकते हैं। अगर आप पोमेरियन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इनके व्हाइट कोट को साफ रखना जरूरी है। जब आप पोमेरियन के बालों को ब्रश से साफ करते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए आपको भी बुरा लग सकता है और आप इमोशनल हो सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने पोमेरियन डॉग को हेल्दी और साफ रखना है तो आपको इमोशनल नहीं होना है, बल्कि अपने डॉग की हेल्थ के बारे में सोचकर उसके बालों को ब्रश से साफ करना है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पोमेरियन डॉग ज्यादा तेज नहीं भौंकता है। अगर आप पोमेरियन को पालना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए खुश हो जाना चाहिए कि ये आपको बिना वजह भोंक कर परेशान नहीं करेगा। ये बहुत ही शांत स्वभाव का एनर्जेटिक डॉग है, जो हमेशा उछल कूद तो करता रहता है, लेकिन तेज आवाज में नहीं भोंकता है। ये प्यार से म्याओ की आवाज निकालते हैं और आपकी सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन्हें कुछ भी कहते हैं तो ये शांति से सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी समझदारी से करते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपको बता दें कि पोमेरियन को बहुत ही कम एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी पोमेरियन को पालना चाहते हैं तो ये फैक्ट आपके चेहरे पर स्माइल आ सकता है। पोमेरियन को बहुत ही कम एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। आपको इसे एक्सरसाइज करवाने में ज्यादा मेहनत और समय नहीं देना पड़ेगा। ये छोटे से कुत्ते बहुत ही फुर्तीले होते हैं और अपनी उछल कूद से ही एक्सरसाइज की कमी को पूरा कर लेते हैं। इस खासियत की वजह से भी पोमेरियन सभी के बीच फेमस है। इन्हें हेक्टिक स्केड्यूल वाले लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि वे लोग जिनके पास इसे एक्सरसाइज कराने का टाइम नहीं है, वे अपने काम में ज्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन उन्हें पोमेरियन पसंद है, तो वो लोग भी पोमेरियन डॉग को पाल सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला डॉग पोमेरियन बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। जी हाँ, और ये खासियत इनकी बाकी सभी चीजों से अलग है। अगर आप पोमेरियन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। ये आपकी थोड़ी सी बात को भी अच्छे से समझ लेता है और अपने मालिक की बात बखूबी मानता है। पोमेरियन बहुत ही फैमिलियर नेचर के होते हैं, जो फैमिली मेंबर के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। आपको पोमेरियन के बारे में ये 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको इनके बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे।